कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दौर में लोग अपने अपने तरह से मुश्किलों को कम करने का काम कर रहे हैं, जिसमें होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर वी के उपाध्याय और असिस्टेंट प्रोफेसर संतोष सिंह लोगों के बीच जाकर कोरोना से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली उपयोगी होम्योपैथ दवा, मास्क तथा सैनिटाइजर का वितरण कर रहे हैं, जिसके तहत शुक्रवार को डॉक्टर वी के उपाध्याय व संतोष सिंह ने मुंशी प्रेमचंद पार्क स्थित चंद्रलोक कुष्ठ आश्रम व नगर निगम के कर्मचारियों के बीच इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा और सैनिटाइजर वितरित किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर वी के उपाध्याय एवं नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, इसको आपको सुबह 4-3 दिन खाली पेट लेना है, ठीक है, आधे घंटे पहले आधे घंटे बाद कुछ खाना चाहिए, और 3 दिन लेने के बाद फिर बंद कर, फिर 15 दिन के बाद फिर इसको बच्ची करेंगे, ठीक है, लगातार लेना है, ठीक है। अरे दीजिए सर, अरे कैसे खाना है? 4 गोली सुबह खाली पेट 3 दिन लगातार लेना, ठीक है। आज आप ब्रश, 4 गोली सुबह जी खाली पेट जी, हाँ ब्रश करने के बाद और ये दवाई बेसिकली आर्सेनिक एल्बम 30 आयुष मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन के द्वारा बंटवाई जा रही है। मैं डॉक्टर विनोद कुमार उपाध्याय, राजा शहीद प्रसाद हरमल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल बड़हलगंज से आया हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट का हूँ। वहाँ पे मैं यहाँ पे बेसिकली सबको होम्योपैथिक प्रोफाइलेक्सिस मेडिसिन दे रहा हूँ, जिससे लोगों का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग रहे, जिससे जो इस सेकेंड कोविड महामारी से लोग सुरक्षा से बचे रहे। मेरा उद्देश्य है समाज में जहाँ तक हो सकता है फ्री ऑफ कास्ट माध्यम से सबको दवाई वितरण किया जाए और सब लोग सुरक्षित रहें। लेकिन प्रिकॉशन बहुत जरूरी है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, बिना आवश्यकता के आवश्यकता हो तो ही घर से न निकलें और नहीं तो अन्यथा घर में रहें, सजग रहें, सुरक्षित रहें और सबको यही गाइडलाइन दें कि जरूरी हो तो ही घर से निकलें। जैसा कि आपके संज्ञान में है, जो कोरोना की सेकेंड वेव आई हुई है उसके संक्रमण की दर बहुत ही तेज है और उसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना के संक्रमण की इस चेन को ब्रेक करने के लिए सभी लोग अपने अपने तरीके से उसमें प्रयास कर रहे हैं, कोरोना के खिलाफ जंग में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। इसी के परिप्रेक्ष में जो हमारे 2 वरिष्ठ डॉक्टर साहबान जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, शहीद राजा हरि प्रसाद मल्ल राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बड़हलगंज गोरखपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं और उनका नाम डॉक्टर विनोद कुमार उपाध्याय एवं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह हैं। इन लोगों ने जो एक स्व प्रयासों से कह लीजिए कि स्वतः स्फूर्ति से उन्होंने जो कोविड के पेशेंट हैं
उनके भीतर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक की दवाइयाँ यहाँ पर आकर बांट रहे हैं। और आज उन्होंने हमारे कार्यालय में आए, यहाँ पर हम लोगों ने भी कुछ अपने कर्मचारियों को भी दिया है कि इसको जो हमको मॉर्निंग में 3 दिन तक खाना है, 4-4 गोली और खाली पेट। और निश्चित रूप से इससे जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो आगे मजबूत होगा और इससे जो हमको कोरोना से लड़ने में पूरी मदद मिलेगी। इस नेक काम के लिए एक ये इंसानियत के इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। और निश्चित रूप से मैं डॉक्टर साहबान, डॉक्टर उपाध्याय, डॉक्टर सिंह को अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। और निश्चित रूप से जो ये मदद कर रहे हैं होम्योपैथिक की दवाई बांट कर, उनके इस प्रयास से हम कोरोना के जो संक्रमण की जो चेन है उसको ब्रेक करने में कामयाब होंगे। और आप सभी लोगों के सहयोग से हम निश्चित रूप से जो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है उसमें हम लोग विजेता बनकर कामयाब होंगे।